गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लैडर प्रॉब्लम्स कर रहे थे और एक लैडर प्रॉब्लम हम और करेंगे। तो ये एक अलग तरह की लैडर प्रॉब्लम है जिसमें ये जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है अप टू इन्फिनिटी। तो इसको कैसे करें, ठीक है? तो हम मान लेते हैं लेट आर नेट टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स। इसकी रेजिस्टेंस एक्स है। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ यहाँ से तो कितनी आ जाएगी? तो देखिए, मैं इसको ऐसे और यहाँ से एक R और ये R अलग कर लेता हूँ और बाकी का सर्किट मैं अलग कर लेता हूँ। यहाँ से ये ऐसे, ये 4R, ये 4R और फिर आ जाएगा 8R ऐसे एंड अप टू सो ऑन। ये आ गया 2R, ये 2R, ये 4R, 4R, 8R, 8R एंड सो ऑन। तो देखिए, अगर ये टोटल रेजिस्टेंस इसकी एक्स है और ये इसको आप देखोगे तो मैं इसकी रेजिस्टेंस कैसे लिख सकता हूँ? अगर मान लीजिए मैं इसको आर डैश मान लेता हूँ, ठीक है, किसको? 2R को आर डैश। तो ये कितना आ जाएगा? ये मेरे पास आएगा 2R डैश। ये भी कितना आ जाएगा? 2R डैश, ठीक है। तो देख लीजिए, ये वापस ऐसा ही सर्किट बन गया जिसकी रेजिस्टेंस है 2x, ठीक है। अगर इसकी टोटल की रेजिस्टेंस x है, ठीक है, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी 2x, क्योंकि वो पूरे का पूरा सर्किट वैसा ही है, बस एक 2 का फैक्टर अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं वो 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो ये पूरे का पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 2x, ठीक है। या आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक बार ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया आर डैश, आर डैश, 2R डैश और ये भी आ जाएगा 2R डैश और ये आ जाएगा 4R डैश, ये आ गया 4R डैश, ठीक है। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 2x और इसकी रेजिस्टेंस टोटल की थी x। तो ये सर्किट कुछ ऐसा हो गया कि ये R है, ये R है और यहाँ पे इस सब की, इन सब की कितनी है मिला के? 2x। तो 2x यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे। तो ये R, ये R और ये है 2x। तो ये A है और ये B है यहाँ पे। तो हमें पता है दैट 1/R प्लस 1/2x ये दोनों पैरेलल में हैं। तो ये कितने हो जाएंगे मिला के? ये आर पी वाले, ये मेरे पास आ जाएंगे 2x इंटू आर अपॉन 2x प्लस आर। तो ये मिला के और ये मिला के ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। तो मेरे पास आ गया 2RX अपॉन 2X प्लस R और प्लस R, ये सीरीज में इज इक्वल टू X। तो सबकी रेजिस्टेंस मिला के X के बराबर है, ठीक है। ये थोड़े से ट्रिकी हैं क्वेश्चन, थोड़े से ऐसे इसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो तो आपके पास X की वैल्यू आ जाएगी। तो कर लेते हैं हम 2RX प्लस 2RX प्लस 2R स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो आप x के लिए सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जो ये अलग तरह की, ये CBSE के नहीं है क्वेश्चंस, ठीक है, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के क्वेश्चन है, उसमें ये पूछे जाते हैं। तो हमारे पास होते हैं सिमेट्रिक सर्किट्स, ठीक है, और ये सिमेट्रिक सर्किट दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं मिरर सिमेट्री, एक को हम बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है। अब ये मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री क्या है? ये मिरर सिमेट्री होती है कि अगर ये सर्किट है जो मेरा, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे देखूँ तो ये इस पॉइंट के अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिक है सर्किट। इस लाइन के अगर ये रेजिस्टेंस आधा इधर और आधा इधर ड्रॉ कर दूँ मैं ऐसे, तो ये देखिए इस लाइन के इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट बिल्कुल सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर ये सिमेट्रिक है तो इस पे थोड़ा सा मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, जहाँ पे आपकी बैटरी लगी होती है ना, उसके परपेंडिकुलर वो सर्किट सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे ये बैटरी यहाँ पे लगी हुई है ना, ए और बी मार्क की है, तो ये इस लाइन के अबाउट मिरर सिमेट्री है, इसका इधर वाला और इधर वाला पार्ट इक्वल है। तो अगर मान लीजिए मैं मानता हूँ कि I1 करंट इधर गया और I2 करंट इधर गया, ठीक है, और क्योंकि ये सर्किट सिमेट्रिक है तो यहाँ से भी करंट I1 निकलेगा और यहाँ से I2 निकलेगा। तो देखिए ध्यान से, ये करंट I1 आया और ये करंट I2 आया और यहाँ से I2 निकला, इसका मतलब इसमें तो करंट गया ही नहीं,
इसमें तो करंट ऊपर पहुंचा ही नहीं है, यही करंट डिवाइड होके आई वन कुछ कुछ होके इसका कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, बाकी फिर वापस मिल जाएंगे। तो आई टू इसमें नहीं जाएगा, ये हमें सिमेट्री बताती है। अगर यहाँ पे नहीं जाएगा तो इसको तो मैं यहाँ का कनेक्शन तोड़ ही देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस सर्किट को मैं ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ, देखिए ये आर हो गया और ये आर हो गया और ये आर हो गया, और यहाँ पे एक आर है और यहाँ पे एक आर है, और ये ऐसे जुड़े हुए हैं ऐसे सर्किट, और ये आर है 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 और ये आर है, और ऐसे यहाँ पे लगा हुआ है सर्किट। तो इस सर्किट का मैं यहाँ से कनेक्शन तोड़ देता हूँ क्योंकि इसमें तो करंट ही नहीं जा रहा, करंट नहीं जा रहा तो इसका कोई फंडा नहीं है। तो अब देखिए ये बहुत आसान हो गया इसको सॉल्व करना, ये दोनों सीरीज में आ गए, ये सीरीज में इसके साथ वो पैरेलल में, ठीक है। तो तीनों को मिला के मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 2R × R / 2R + R, तो आया 2R² + 3R, तो एक आर ने एक आर को मार लिया तो 2R/3 इन तीनों को मिला के आ गया। तो मेरा जो सर्किट बन जाएगा वो एक तो ये आर आ गया, एक ये तीनों को मिला के आ गया, और एक आर ये आ गया यहाँ वाला। तो ये आर है और तीनों को मिला के 2R/3 है, और नीचे जो है वो भी सर्किट कैसा है, R + R 2R, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, ये कितना हो गया, ये तीनों सीरीज में है और इसके साथ वो पैरेलल में है, तो सारा सर्किट आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 2R + 2R/3 ऊपर वाले मिला के कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6 + 2 = 8R/3। अब ये 8R/3 और 2R ये दोनों सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है, तो आया 3/8R + 1/2R, इसका एलसीएम लेंगे तो 8R आ जाएगा, तो ये आ गया 3 + 4, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज आर नेट कितना आ गया इसका, 8R/7, ठीक है, 8R/7। तो ये मिरर सिमेट्री होती है, जहाँ पे बैटरी लगी होती है उसके अक्रॉस हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस लाइन के अक्रॉस दोनों तरफ इसका मिरर सिमेट्री होनी चाहिए। अच्छा, एक होती है फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री ये होती है कि अगर आप जहाँ पे बैटरी लगी हुई है इस बैटरी के ऊपर या नीचे, अगर बैटरी ऐसे लगी हुई है इस डायरेक्शन में, तो लेफ्ट एंड राइट में सर्किट बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर ये सर्किट सेम है तो हम इसे बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री देखिए, इस लाइन के अबाउट, ए बी के अबाउट मैं इसको फोल्ड कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो मतलब ऊपर और नीचे का बिल्कुल सर्किट सेम है, इसे हम बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। और ऐसे सर्किट में हम क्या करते हैं, जब फोल्डिंग सिमेट्री आती है तो इस पूरे सर्किट को उठा के इसके ऊपर मैं सुपर इम्पोज कर दूंगा, ऐसे फोल्ड कर दूंगा इसके ऊपर, इसीलिए इसको फोल्डिंग सिमेट्री बोलते हैं। अगर ये सिमेट्री हो तभी फोल्ड कर सकते हैं। और देखिए फोल्ड करने के बाद ये और ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, ये और ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो सारे के सारे रजिस्टर पैरेलल में आ जाएंगे। तो पैरेलल में आने के बाद हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आ गया एक, ये दूसरा आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है ए और बी। हमने इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है, इसको उठा के ऊपर रख दिया। ऊपर रखने के बाद ये पैरेलल में आ गए, तो पैरेलल में आ गए तो ये आर और आर पैरेलल में कितना आ जाएंगे, R/2, ये भी R/2, ये और ये दोनों मिलके R/2, ये और ये मिलके R/2, और ये मिलके R/2, ठीक है। और इनके साथ कोई सुपर इम्पोज नहीं कर रहा, तो ये आर और ये आर, ठीक है। अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, देखिए ध्यान से, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, क्योंकि मैं इन दोनों को और इन दोनों को सीरीज में बना लेता हूँ। तो ये मेरे पास सर्किट कुछ ऐसा आ गया, ये आर और यहाँ पे R/2 और यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर है, ठीक है। यहाँ पे बैटरी लगी है बी और ए टर्मिनल इसका, और ऐसे ये आर ये आर ये R/2 ये आर और ये आर, मतलब इनको दोनों को मिला के एक कर लिया और इन दोनों को मिला के हमने एक कर लिया। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाएगा, R² × R × R बराबर है, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, कोई करंट नहीं जाएगा, तो ऊपर वाले दोनों, ये क्या बन गया, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, ठीक है। तो देखिए अब ये सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, ऊपर वाले कितना है 2R और नीचे वाले दोनों सीरीज में मिलके 2R, तो
तो मतलब जो आर नेट आ जाएगा मेरे पास वो आ गया 2R into 2R upon 2R plus 2R, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया 4R square, नीचे आ गया 4R, 4 ने 4 को मार लिया, R ने R को मार लिया, तो R आ गया मेरे पास। तो R नेट कितना आ गया, R टोटल रेजिस्टेंस इसकी R आ गई, ठीक है। तो इसे हम फोल्डिंग सिमेट्री बोलते हैं। आगे देखते हैं इसी पे एक क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप खुद ट्राई कर सकते हो और फिर इसका सोल्यूशन देखना कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ये सारे रेजिस्टेंस आर आर आ रहे हैं, तो ये ए बी के अक्रॉस इसकी फोल्डिंग सिमेट्री आ सकती है, क्योंकि इसके ऊपर और इसके नीचे बिल्कुल सिमेट्रिक सर्किट है। तो अगर मैं इस सर्किट को ऐसे फोल्ड कर दूं, ऊपर इसके फोल्ड कर दूं, तो ये कैसा बन जाएगा, ये मेरा सर्किट ऐसा बन जाएगा, ये एक और ये दो, फिर एक और दूसरा, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगी, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगी, और फिर ये ऐसे और फिर ऐसे। तो मतलब ये R रह गया, ये R रह गया, और ये A है और ये B है। तो मतलब पहले मैंने फोल्डिंग सिमेट्री लगाई है, ठीक है। ये R और ये R पैरेलल में आके R बाई टू हो जाएंगे, ये R बाई टू हो जाएंगे, ये R बाई टू हो जाएंगे, और ये R बाई टू हो जाएंगे, और बीच वाला ये और ये मिलके R बाई टू और R बाई टू हो जाएंगे। तो ये कर लिया मैंने। अब देखिए, अब इस लाइन के अक्रॉस देखिए, इस लाइन के अक्रॉस ये एक मिरर सिमेट्री है। इसका मतलब जो करंट यहाँ से आएगा I1 और यहाँ से I2, वही करंट यहाँ से I1 और I2 बाहर आएगा। इसका मतलब इसमें तो कोई करंट गया ही नहीं, तो इसको तो मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये जो कनेक्शन है, हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मेरा सर्किट है जो कुछ, इसको मैं हटा देता हूँ, ये दोनों सीरीज़ में है और ये दोनों सीरीज़ में है। तो ये मेरा सर्किट R बाई टू, ऊपर मेरा मेरे पास R आ गया इन दोनों को मिला के, और यहाँ पे मेरे पास R बाई टू, और ये दोनों सीरीज़ में है, तो ये मेरे पास मिला के R आ जाएगा, R ऐसे, और ये दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे, तो ये आ गया मेरे पास 2R, ये आ गया 2R। अब ये R और R दोनों पैरेलल में, तो R बाई टू हो जाएंगे, तो R बाई टू, R बाई टू एंड R बाई टू, तो वो कितना आ जाएगा, तीनों मिला के ये सीरीज़ में, दैट इज़ 3R बाई टू, और ये 2R, मतलब ये कुछ ऐसा सर्किट बन जाएगा, ऐसे ऐसे। तो 3R by 2 और ये 2R दोनों कैसे आगे पैरेलल में, तो 3R by 2 एंड 2R पैरेलल में आगे, तो इनको हमें सॉल्व करना है। तो R नेट मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 by 3R plus 1 by 2R। तो इनका अगर LCM लेंगे तो 6R आ गया, तो ये अब मेरे पास आ जाएगा 4 plus 3, R नहीं आएगा, 4 plus 3 दैट इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज आर नेट, ये 1/R net आएगा, सॉरी, क्योंकि ये पैरेलल में है ना। तो आर नेट मेरे पास कितना आ जाएगा, आर नेट आ जाएगा 6R/7, ठीक है। होप आपको ये समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह इसको सॉल्व करना, नोट्स बनाना अपने। तो ये हमारे पास फोल्डिंग सिमेट्री के क्वेश्चन आ गए। इसमें क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ, आप इसको खुद ट्राई करके मेरे को इसका सोल्यूशन भेजना, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है, हर एक ब्रांच में रेजिस्टेंस R है, ठीक है, ये R R R R R, ये R है, ये R है, ये R है, ये भी R है, ये R है, ये R है, ये R है, और ये R है, और इसकी जो बैटरी है वो हमने यहाँ पे लगा रखी है। एक तो कनेक्शन यहाँ पे है और एक कनेक्शन यहाँ पे है, A और B, ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। तो आप ये मेरे को सॉल्व करके इसको सेंड करना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, उसको बार बार करने का कोई मतलब नहीं, अगर आपको समझ आ गया तो एक ही बहुत है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास ना एक बॉक्स फॉर्मूला आता है। ये बॉक्स फॉर्मूला आया कैसे, ये हम तब समझेंगे जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें वो प्रैक्टिकल करके समझाना मुश्किल है, ठीक है। तो हम बॉक्स फॉर्मूला देखते हैं उसका क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्यूब है, ऐसे क्यूब है, ऐसे, तो इसकी नेमिंग मैं कर देता हूँ क्यूब के पॉइंट्स की। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है मान लीजिए, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ऐसे। तो हर एक जो एज है उसकी रेजिस्टेंस है R। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। पहला, अगर मैं कनेक्शन करता हूँ,
वन और सिक्स में। तो ये वन और सिक्स ये बॉडी डायगोनल कहलाएगा। अगर मैं बॉडी डायगोनल के अक्रॉस कनेक्शन करता हूँ तो रेजिस्टेंस कितनी आएगी, ठीक है? तो बॉडी डायगोनल के अगर आप देखोगे तो इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी 5/6 R। ये कैसे आती है ये मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है? इसको प्रैक्टिकल करके मैं आपको समझा दूँगा कि ये कैसे आया। दूसरी बात, अगर मैं 1 2 2, 1 और 2 में कनेक्शन करता हूँ यहाँ और यहाँ, तो ये एक एज पे कनेक्शन है, तो ये एज कनेक्शन कहते हैं इसे एज। तो एज में रेजिस्टेंस आती है जो, वो आती है मेरी 7/12 R। इसके बाद अगर मान लीजिए मैं 1 और 3 में कनेक्शन करता हूँ, 1 और 3 में, तो ये मेरा फेस डायगोनल आ गया, ठीक है? 1 और 3 में अगर मैं कनेक्शन करूँगा तो ये फेस डायगोनल कहलाएगा, फेस डायगोनल, ठीक है? तो इन तीनों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर बॉडी डायगोनल पे मैं कनेक्शन करता हूँ तो कितनी रेजिस्टेंस है, और अगर मैं एज पे करता हूँ तो कितनी रेजिस्टेंस है, फेस डायगोनल पे करता हूँ तो कितनी है। तो फेस डायगोनल पे जो कनेक्शन करने पे हमारे पास रेजिस्टेंस आती है वो आती है 3/4 R, ठीक है? तो अब इसको याद कैसे रखना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप ऐसे याद रखो, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स, EFB। ई स्टैंड्स फॉर एज, एफ स्टैंड्स फॉर फेस डायगोनल, बी स्टैंड्स फॉर बॉडी डायगोनल, ठीक है? ये रटने का मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। तो EFB ऐसे लिखना है, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स एज फेस डायगोनल। तो इसको कैसे करना है, ये 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये R R और R, ये मेथड होता है इसको याद रखने का, ठीक है? ये आया कैसे है ये मैं आपको एक पूरा क्यूब लेके उसमें कनेक्शन करके मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा, ठीक है? ये कैसे बने हैं, तो जब हमारी वो इंस्टीट्यूट खुलेगा उस वक्त मैं आपको ये पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अभी हमें एक बड़ा सा बॉक्स चाहिए जो इस कैमरा में फिट करना मुश्किल है, इसीलिए मैं आपको वो नहीं दिखा सकता, ठीक है? ना ही आपको वो समझ आएगा देख के। तो अभी के लिए आप सिर्फ याद रखिए, बाद में मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है? तो इसके साथ हमारी वो रेजिस्टेंस वाला पार्ट ख़त्म होता है और अब हम आगे चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी एंड पावर, ठीक है? एनर्जी एंड पावर। एनर्जी एंड पावर आपने 10th में भी पढ़ा होगा, ये एनर्जी एंड पावर वाला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बातें, पहले हमारे होम में, जो हमारे घरों में होम सप्लाई कैसी होती है, होम सप्लाई हमारे पास AC आती है, ठीक है? और वो 220 हर्ट्ज़ उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, सॉरी 220 वोल्ट वो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसकी वोल्टेज आती है, एंड 50 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ये आप आगे जाके समझ जाओगे इन टर्म्स को। और जो हमारे घरों में कनेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, सीरीज़ के पैरलल वो होते हैं, पैरलल पैरलल कनेक्शन होते हैं हमारे घरों में। क्योंकि देखिए, अगर सीरीज़ में लगा दिया हमने, ये मेरे पास एक बल्ब लगा दिया हमने, ये मान लीजिए पंखा लगा दिया ऐसे, ठीक है, कुछ और लगा दिया हमने, तो मान लीजिए ये मेरे घर में सप्लाई आ रही है ऐसे, AC आती है, वैसे तो AC का ये सिंबल होता है ऐसे, लिप्स बनाओ उसमें ये सांप लटा दो, ये AC का सिंबल होता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए ये बल्ब फ्यूज़ हो गया तो पूरे का पूरा सर्किट बंद हो जाएगा, ठीक है? आपके घर में एक बल्ब जल गया तो पूरे का पूरा सर्किट बंद हो जाएगा, अगर वो सीरीज़ कनेक्शन होगा तो, ठीक है? तो ना ही आपको पता चलेगा कि कौन सा अप्लायंस ख़राब हुआ है। कोई भी एक अप्लायंस ख़राब हो गया तो पूरे का पूरा सर्किट आपका डाउन हो जाएगा। इसीलिए हम अपने घरों में जो सर्किट लेते हैं वो पैरेलल लेते हैं, ठीक है? दूसरी बात, हर एक में जितना इसमें हर एक में सेम करंट फ्लो करेगा, उसमें जितना जिस अप्लायंस को चाहिए उतना करंट वो ड्रॉ कर लेगा। इसीलिए ये दो कारण है कि आपके घरों में पैरेलल कनेक्शंस बनाए जाते हैं, ठीक है? तो अब हम पावर ऑफ द बैटरी और उसके बारे में देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रेजिस्टेंस R है, ठीक है? हम अभी DC पे बात करेंगे, AC की कोई बात नहीं करेंगे, आगे जाके हम AC सप्लाई को भी पढ़ लेंगे। तो ये वी वोल्ट की बैटरी है मान लीजिए, तो यहाँ पे V है, ये 0, ये V, ये 0, और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है मान लीजिए। तो एनर्जी ऑफ द बैटरी क्या होता है, एनर्जी ऑफ बैटरी, तो एनर्जी ऑफ बैटरी होता है QV,
दैट इज़ क्यू, कितना चार्ज फ्लो करता है और ये बैटरी की पावर कितनी है, क्यू बी। और पावर क्या आती है, पावर होती है मेरे पास डी ई बाई डी टी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये ई है और डी ई बाई डी टी है जो मेरा ये आ गया। अब मैं क्यू की जगह, ई की जगह क्यू वी पुट कर देता हूँ, डी क्यू वी अपॉन डी टी, और वी को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो डी क्यू अपॉन डी टी है जो मेरे पास, ये क्या चीज़ होती है, आई, तो ये मेरे पास वी आई आ गया। तो पावर कितनी आ गई मेरे पास, वी आई, ठीक है। ये किसकी पावर है, पावर ऑफ आ बैटरी, पावर ऑफ आ बैटरी, ये बैटरी इतनी पावर प्रोड्यूस करती है, वी आई। अब मान लीजिए एक रजिस्टर है, उसकी पावर कितनी होती है, पावर ऑफ आ रजिस्टर, पावर ऑफ आ रजिस्टर, तो पावर का फॉर्मूला है वी आई, तो रेजिस्टेंस है तो वी इज़ टू आई आर पुट कर दूंगा, आई आर इंटू आई, तो मेरे पास आ गया आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस की पावर है। दूसरा हमारे पास है रेजिस्टेंस, अगर मैं वी को ऐसे लिख लूँ, आई इज़ इक्व टू वी बाई आर कर दूँ, तो ये आ गया वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो ये दो तरह की रेजिस्टेंस हो सकती है, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन आर, ये दो तरह की पावर ऑफ आ रजिस्टर होती है, ठीक है। आगे हम और चलते हैं, जैसे मान लीजिए एनर्जी इन आ रजिस्टर, एनर्जी इन आ रजिस्टर कितनी होती है, तो रजिस्टर की एनर्जी को निकालने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें पता है दैट डी ई बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आई स्क्वायर आर है, आई स्क्वायर इंटू आर, दिस इम्प्लाइज डी ई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये ई आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ आ रजिस्टर होती है आई स्क्वायर आर इंटू टी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तब की कहानी है इफ़ आई इज़ कॉन्स्टेंट, अगर आई कांस्टेंट है, इफ आई इज कांस्टेंट, इफ आई इज कांस्टेंट, तो इतनी पावर, इतनी एनर्जी कंज्यूम करता है रेजिस्टर इन टाइम टी। एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और ये 2 ओम का रेजिस्टर है, मान लीजिए 5 मिनट तक ये करंट फ्लो करता रहा, तो आपको बताया जाए कि बताइए भी, पूछा जाए आपसे कि एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा, तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर विल बी, एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो आई आई स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू आर, आर इज 2, और टी टाइम को लेना है आपको सेकेंड में, तो आई का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, टी इज 5 इंटू 60, ठीक है। तो ये आया 2 2 ज़र 4, 2 ज़र 8, 8 इंटू 5 इंटू 60, तो 40 इंटू 60, तो आया 2400 जूल्स, इतनी एनर्जी इसने कंज्यूम की, ठीक है। तो ऐसे हम हीट निकाल सकते हैं किसी भी सर्किट में। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, मान लीजिए हमारे पास ये रजिस्टर आर है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ना, सपोज वो करंट ऐसे के बना है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा करंट है, ये हो सकता है करंट होते हैं ऐसे, अभी आपको नहीं पता, ये एसी करंट ऐसा होता है। तो आपको पूछा जाए फाइंड हीट जनरेटेड इन 1 साइकिल, हीट जनरेटेड जनरेटेड इन 1 साइकिल, एक साइकिल में कितनी हीट जनरेट हो जाएगी वो पूछा जाए। तो ई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, ये जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, ये फॉर्मूला तब होता है व्हेन आई इज वेरिएबल, जब आई वेरिएबल है तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, तो आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, तो आई की जगह मेरे पास आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर आर इंटू डी टी, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आई नॉट है जो, आई नॉट स्क्वायर मेरा कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये आर भी मेरे पास कांस्टेंट है तो डी टी, इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब साइन स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, तो मेरे पास आई स्क्वायर इंटू आर तो ये आ जाएगा, और साइन स्क्वायर को मैं लिख लूँगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। अब ये कैसे आया, ये मेरे पास फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा हुआ है
ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, वो फॉर्मूला होता है ना, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये मेरे पास ये आ जाता है, अगर मैं ऐसे कर लूँ 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज़ कॉस 2 थीटा। ये तीन फॉर्मूलाज होते हैं कॉस 2 थीटा के। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊँ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये 2 भी आता है इसके साथ, तो ये मैं 2 यहाँ पे लिख लेता हूँ बाहर, कांस्टेंट है। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई ख़ास बात नहीं है। तो आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू, तो 1 की इंटीग्रेशन है और हमें एक साइकिल में चाहिए, तो 0 से लेके टाइम पीरियड टी इज़ इक्व टू 2π/ω। तो 2π/ω हमारा टाइम पीरियड होता है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो 2 माइनस cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन कितनी होती है, ये आ गया sin 2ωt, ठीक है। और फिर इसको इंटीग्रेट करने का मेथड होता है, जब हमारे पास फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो 2ωt की नीचे रख के डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो 2ω और इसमें t की जगह 2π/ω की वैल्यूज पुट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और सॉल्व करने पे ये आंसर आ जाएगा i नॉट स्क्वायर r π/ω, ठीक है, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, आपके घरों में जो बिल आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो जब आपके घर में बिल आता है तो आप ये बिल किस चीज़ का पे करते हो, करंट का, पावर का, वोल्टेज का या एनर्जी का, और एनर्जी किस चीज़ का बिल पे करते हैं हम, तो बिल हम पे करते हैं एनर्जी का। नॉट दिस, आपके घरों में आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम किया है तो उस चीज़ का बिल पे करते हैं। तो अगर आप एनर्जी का बिल पे करते हैं तो आपको एनर्जी निकालनी आनी चाहिए। तो हमारे पास कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी वो क्या है, वो है हमारे पास 1 किलोवाट आर। अब ये 1 किलोवाट आर क्या होता है, 1 किलोवाट आर इज, अगर हमारे पास एक बल्ब, इफ अ बल्ब ऑफ 1000 वाट ग्लोज फॉर 1 आवर, अगर हमारे पास 1000 वाट का, 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे तक चलता रहे, ठीक है, तो ये जो एनर्जी कंज्यूम करेगा, दैट विल बी 1 किलोवाट आर, ठीक है, इसे हम 1 किलोवाट आर बोलते हैं। तो 1 किलोवाट आर इज इक्व टू 1000 वाट इंटू आर, और इस घंटे को, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकेंड में, तो ये आया 1000 वाट इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, तो आया मेरे पास 36 1 2 3 4 5 वाट सेकेंड। और ये वाट सेकेंड क्या होता है हमारे पास, ये होता है जूल, तो आया 36 × 10⁵ जूल, ये आ गया 36 × 10⁵ जूल। ये हमारे पास 1 किलोवाट आर की वैल्यू होती है, 36 × 10⁵ जूल्स, ठीक है। आगे चलते हैं, हम मान लीजिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, हमारे घर में 10 फैन लगे हुए हैं, ठीक है, और वो 100 वाट का ईच है, 100 वाट ईच, ठीक है। हमारे घर में मान लीजिए 15 ट्यूबलाइट्स हैं और 50 वाट की ईच है, 50 वाट ईच, और एक एसी लगा हुआ है और वो मान लीजिए 500 या 700 वाट का है एसी, और ये पूरे का पूरा जो हमें निकालना है वो हर रोज चलता है 10 घंटे के लिए ये सारी चीज़ें चलती हैं आपके घर में, एंड 30 दिन का बिल निकालना है आपको, 30 डेज, और 7 रुपीज़ पर यूनिट आपकी कीमत है,
ये जो है इसे हम वन यूनिट भी बोलते हैं, वन यूनिट। तो आपकी जो बिजली कैलकुलेट की जाती है वो किलोवाट आर या यूनिट में कैलकुलेट की जाती है। तो आपको इस यूनिट के पैसे मिलते हैं, लगते हैं 7 रुपीज़ पर यूनिट या 8 रुपीज़ पर यूनिट, वो अकॉर्डिंग टू प्लेस होता है कि किसी जगह पे कितनी है किसी जगह पे कितनी है। तो आपको इस चीज़ का एक यूनिट्स का बिल पे करना होता है, ठीक है। तो 10 आवर्स 30 डे 7 रुपीज़ पर यूनिट। ये तो हम क्या करेंगे, इसको इसको सॉल्व करते हैं, हम बिजली का बिल कैलकुलेट करेंगे 30 दिन के लिए। तो पहले हम ये देख लें कि एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक है। तो 10 फैन कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेंगे, वो 1000 वॉट एक मतलब टोटल फैन सब कितना एक घंटे में कितनी कंज्यूम कर लेंगे, ये हो गया ना, मतलब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 10 × 1000, ठीक है। ये एक दिन के लिए, और 10 दिन के लिए 10, तो मेरे पास आ गया 10000 वॉट। इतनी 15 ट्यूबलाइट्स, 15 ट्यूबलाइट वो 15 × 1 50 की है इंटू 10, ये 10 दिन के लिए, ठीक है 10 घंटे के लिए सॉरी। तो ये आ गया मेरे पास, तो ये कितना आ गया 7500 वॉट। तीसरा एक एसी है, तो एक एसी 1 × 700 और 10 घंटे के लिए चलेगा तो वो आ जाएगा 7000 वॉट। तो टोटल पावर कंज्यूम्ड एक दिन के लिए कितनी होगी, ये इतनी होगी 0057 × 14 2 इतने वॉट। तो मतलब एनर्जी कंज्यूम्ड कंज्यूम्ड इन वन डे दैट इज इक्वल्स टू 2450 वॉट। हमें चाहिए किलो वॉट में, तो 24.5 किलो वॉट इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी हमारी एक दिन में। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, 30 दिन में कितनी है, तो आया 24.5 × 30। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 3 15, 4 3 12, 1 13 एंड 3 2 6 प्लस 1 7। कैलकुलेशन मिस्टेक चेक करनी पड़ेगी, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 7500, ये 7000, तो 24500 सही है। ये कितना आ जाएगा, 5 3 15, 4 3 12, 1 13, 1 3 2 6 1 7, 733 735 किलो वॉट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो एक यूनिट की कीमत कितनी है, वन यूनिट प्राइस इज 7। तो टोटल टोटल बिल फॉर 30 डेज, टोटल बिल फॉर 30 डेज, तो वो मेरे पास आएगा 7 × 735। ये आपने 10th में भी क्वेश्चन किए होंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करके 7 5 35, 3 24 2 51, इतने हमारे ये प्राइस हमारा आ जाएगा, ठीक है 30 दिन के लिए। तो ये क्वेश्चन हो गए, अब ये बिल वाले क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और है, मान लीजिए हमारे पास एक बल्ब है जो 220 वोल्ट और 100 वॉट का है। 220 वोल्ट पे जब वो चलता है तो 100 वॉट पावर प्रोड्यूस करता है। जो आपके बल्ब्स के ऊपर ये चीज़ें लिखी होती है ना, इसका मतलब ये है कि अगर वो 220 वोल्ट पे चलेगा तो 100 वॉट प्रोड्यूस करेगा। अगर मान लीजिए मैं इसको यूएसए ले जाता हूँ बैग में डाल के अपने, वहाँ पे ये जो बल्ब है वहाँ पे तो पावर 220 सप्लाई आती नहीं, वहाँ पर तो 110 आती है, ठीक है। तो वहाँ पे ये पावर कितनी प्रोड्यूस करेगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो आप सोचिए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, फिर सोल्यूशन देखिए। देखिए जब आप बल्ब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो तो पावर चेंज हो जाएगी उसकी, ठीक है, और ये वोल्टेज चेंज होगी तो पावर चेंज हो जाएगी। तो एक चीज़ कांस्टेंट रहती है, दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट, रेजिस्टेंस इसकी कांस्टेंट रहती है। तो हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताया, दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, हमारे पास होता ना पावर इज इक्वल टू V² / R, ये फॉर्मूला भी हमारे पास होता है, ठीक है। ऐसे होता है ना पावर इज इक्वल टू VI, तो I की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, V / R, V / R, तो ये आ गया V² / R।
तो रेजिस्टेंस इज वी स्क्वायर बाई आर, हमारे पास होता है पावर का ये फॉर्मूला। तो मेरे को रेजिस्टेंस निकालनी है तो मैं लिख दूंगा वी स्क्वायर बाई पी, वी स्क्वायर बाई पी। वी स्क्वायर मतलब हो गया 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई पी, मेरे पास 100 है, एक ने एक को मार लिया तो कितना हो गया 44, 4, 44 चार 48, ये आ गया 484 ओम, ये इतनी रेजिस्टेंस आ गई। अब यहाँ पे जब मैं जाऊँगा तो भी मेरी वो रेजिस्टेंस है जो वो सेम रहेगी, तो यहाँ पे पावर निकालनी है तो पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो पावर निकालने के लिए वी कितना है यहाँ पे 110, 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 22 ये था जो, तो इसको मैंने 11 से मार लिया तो ये 2 आ गया, इसको 11 से मार लिया तो ये भी 2 आ गया, तो ये 5 इंटू 5, तो मेरे पास आ गया 25 वॉट। ठीक है, तो इतनी पावर प्रोड्यूस करेगा ये बल्ब। ठीक है, होप आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा और एक दो लेक्चर्स में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से ज़रूर पूछिए। ठीक है, थैंक यू।